इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है। सोमवार को इस सम्मेलन में भाग लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे। 3 दिवसीय सम्मेलन में 70 देशों से 3500 से अधिक प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी ने सम्मेलन के दौरान कहा कि हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए, अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यवसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकती है, भारत ने ये करके दिखाया। कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। मुझे यकीन है कि आप यहाँ के अनुभव नहीं भूलेंगे, औरों को भी यहाँ आने को भेजेंगे। इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। साथियों, वैसे हम सभी अभी जिस शहर में हैं वो भी अपने आप में अद्भुत है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वतंत्रता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन इंदौर, अपन का इंदौर, अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। इंदौरी नमकीन का स्वाद, यहाँ के लोगों के यहाँ पर जो पोहे का पैशन है, साबूदाने की खिचड़ी, कचौरी, समोसे, सिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका। और जिसने इन्हें चखा उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। इसी तरह 56 दुकान तो प्रसिद्ध है ही, सराफा भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।